2. As I told you that our first lesson is about Karachi. Children, you know that we live in the city Karachi. But do you know in which province it is located? Yes, I explained you in your previous class that Pakistan has 4 provinces. Sindh, Punjab, KPK and Balochistan. In the province of Sindh, we are having the city Karachi. So today we will talk about Karachi, the city in which we live in, and the city which is also called the city of lights. I want all of you to open your books and see page number 2. Before moving towards the book, I would like to give you some details about Karachi. What are the different divisions of Karachi? Karachi is further divided into different districts. For example, we are having District Karachi West, District Maleer, District Korangi, District Karachi South, and District Karachi Central. This is further division of the city Karachi. This is an extra information for you. It is not given in your book. Okay, class? Now let's discuss geography of Karachi. City occupies an area of over 3,000 kilometers square. Karachi is mostly made up of flat or rolling plains. 2 rivers pass through the city, which are the River Maleer and the River Liari. The southern limit of the city is the Arabian Sea. Let me explain you it again. The total area of the city is 3,000 kilometers square. Karachi is mostly made up of flat or rolling plains. Which are the 2 rivers which pass through the city? The 2 rivers are the River Maleer and the River Liari. The southern limit of the city is the Arabian Sea. Okay? Karachi ka jo area hai, jo shahar pura yani ki occupy karta hai, wo hai takriban 3000 kilometers square. कराची अगर देखा जाए तो मोस्टली मेड अप किस से बना है, रोलिंग प्लेन से बना हुआ है. 2 रिवर्स जो कराची से पास हो रहे हैं वो कौन से हैं? रिवर मलीर है और रिवर लियारी है. साउदर्न लिमिट जो कराची की है वो कहाँ तक है? अरेबियन सी है साउदर्न साइड पर कराची के. ठीक है बच्चों, ये तो है कराची की जियोग्राफी. ये अभी हम सिर्फ हाईलाइट्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. हम इसको थरली रीड करेंगे, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी. फर्दर डिटेल्स में हम जब जाएंगे, जब हम आगे इन टॉपिक्स पे बुक में जाते जाएंगे. ठीक है, अभी आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नॉट इन द बुक. आई एम अगेन टेलिंग यू दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इन द बुक. मे बी 1 या 2 पॉइंट्स आपकी बुक में होंगे मौजूद, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको कराची के बारे में मैं बता रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, okay, now let's discuss the climate. Karachi is located on the coast. ये तो हम सबको पता है कि कराची coastal area में आता है, coast पे located है. Karachi has a relatively mild climate. Humidity levels usually remain high. ठीक है, यानी कि जो humidity level है वो कराची का high ही रहता है, यानी कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है. कराची ऑल्सो रिसीव्स द टेल एंड ऑफ द मूनसून रेन्स. ठीक है, कराची में जब पूरे मुल्क में आप देखते हैं मूनसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ होता है, सब जगह मूनसून रेन्स हो रही होती हैं, और बिल्कुल मूनसून अपने जब एंड पार्ट पे जा रहा होता है तो फिर ये होता है कि कराची में फिर उस वक्त मूनसून रेन स्टार्ट होती हैं. ठीक है, बहुत अच्छा एक मूनसून का स्पेल जो है वो पंजाब में आता है, या नदन साइड पे जो हमारे नदन एरियाज़ हैं, केपीके वगैरह हैं, वहाँ पर आता है. मगर कराची में इतना बड़ा स्पेल नहीं होता मूनसून का. अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो कराची में एक शॉर्ट स्पेल होता है मूनसून का.
ठीक है, एक शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मानसून कराची में आ गया। ओके नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कराची। नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर बुक्स एंड सी पेज नंबर 2, या आपकी बुक के पेज 2 पे गिवन है, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कराची के बारे में। और ये फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले, लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट शहर है, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है। उसके बाद ये मेन सी पोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, पाकिस्तान का मेन सी पोर्ट है कराची हार्बर, बहुत फेमस हार्बर है, बहुत मशहूर हार्बर है। उसके बाद इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि कैपिटल सिटी है ये सिंध प्रोविंस का, ठीक है, यानी कि सूबे सिंध का ये कैपिटल सिटी है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीज़, ये दुनिया का भी एक, हम कह सकते हैं दुनिया के बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। मेन सेंटर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग हो रही है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, या जितना भी ट्रेड हो रहा है उसके लिए ये कराची जो है एक मेन सेंटर है। यहाँ तक कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जिनके हेड ऑफिस कराची में ही मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, कराची जो है 1960 तक पाकिस्तान का कैपिटल रहा है, लेकिन जब इस्लामाबाद 1960 से पहले तक कराची जो था वो पाकिस्तान का कैपिटल था, लेकिन जब 1960 में इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल बन गया, तो फिर कराची सिर्फ सिंध का कैपिटल है, अब पाकिस्तान का कैपिटल नहीं है। वरना कराची को ये एजाज़ भी हासिल था कि कराची पूरे पाकिस्तान का कैपिटल था एक ज़माने में, ठीक है, लेकिन जब एक न्यू कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को क्रिएट किया गया तो फिर इस्लामाबाद को कैपिटल सिटी बना दिया गया और कराची सिर्फ सिंध का कैपिटल सिटी है। अच्छा, कराची को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं क्योंकि इसकी लाइवलीनेस की वजह से, कराची कभी सोता नहीं है, ठीक है, लाइट्स आपको, आप अभी भी अगर रात में चले जाएँ 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आपको रेस्टोरेंट्स ओपन मिलेंगे, आपको लगेगा कि पूरा शहर जाग रहा है, तो इसको कहते हैं सिटी ऑफ लाइट्स। अच्छा, पीपल हु लिव इन द सिटी नोन एज कराचीआइट्स, जो लोग कराची में रहते हैं उनको कराचीआइट्स कहा जाता है, यानी कि आप भी कराचीआइट्स हैं, मैं भी कराचीआइट्स हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। यहाँ से वो तमाम चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जो आपकी बुक में मौजूद हैं। अब तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया था वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कराची के बारे में। तो अब आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन अगेन प्ले इट एंड यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लोकेशन ऑफ कराची, पेज नंबर 3 इन योर बुक। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लुक इन टू योर बुक्स, और यू कैन ऑल्सो लुक एट दिस स्क्रीन बिकॉज सेम पेज इज ऑन द मोबाइल स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर भी सेम पेज ही आ रहा है। कराची इज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान ऑन द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। कराची की लोकेशन क्या है? कराची पाकिस्तान के साउथ में है। ये हम लोगों ने जो कंपस रीड करना सीखा था क्लास 4 में, डायरेक्शंस देखी थी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ डायरेक्शंस कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं, कंपस ड्रॉ करना सीखा था। तो अब आप एक कंपस ड्रॉ कर लें पेंसिल से और आप देखें कि कराची जो है वो पाकिस्तान के साउथ में है, और आप खुद कहेंगे जी मैं साहब ठीक कह रही हैं, ठीक है, ओके। पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, और क्योंकि कराची कोस्ट के ऊपर वाक़ है, लोकेटेड ऑन द कोस्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि कराची भी पाकिस्तान के साउथ में है। The land in the area is mainly flat, but there are some hills on the western and northern parts of the city. अगर आपने कराची को कराची में अच्छी तरह से आप घूमे फिरे हैं, या आपने कराची की बहुत सारी प्लेसेस देखी हैं, तो आपने यकीनन कहीं कहीं हिल्स भी देखी होंगी, जो आप अक्सर अपने पेरेंट्स से पूछते भी होंगे कि ये कभी हमें इन पे लेके जाएं, ये क्या है, ये माउंटेन्स कहाँ से आ गए। जब हम छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स से ये कहते थे कि ये माउंटेन्स हैं, हमें माउंटेन्स पे लेके जाएं, जबकि वो हिल्स हैं, ठीक है। और ये हिल्स जो हैं ये कराची में कहाँ कहाँ पर हैं? ये वेस्टर्न और नदर्न पार्ट्स में है, ये शहर के वेस्टर्न और नदर्न पार्ट्स में ये हिल्स मौजूद हैं। और दो रिवर्स भी हैं जो कि कराची में फ़्लो करते हैं, उन रिवर्स का नाम क्या है? रिवर मलीर एंड रिवर लियारी, ठीक है, ये दो रिवर्स के नाम आपको अपने जहन में याद रखने हैं। कराची हार्बर इज़ इन अ शेल्टर्ड बे इन द साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी। कराची हार्बर बहुत मशहूर हार्बर है, ठीक है,
वहाँ क्या होता है, हार्बर पे क्या होता है कि शिप्स जो हैं वो लोड और अनलोड किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर कार्गो शिप्स भी होते हैं और वो शिप्स भी होते हैं जो फ़िशिंग करके आ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं जो फ़िशिंग करके आ रही होती हैं, उनको भी अनलोड किया जाता है और लोड भी किया जाता है। जो एक्सपोर्ट का सामान होता है, जो थ्रू शिप्स भेजना होता है, वो भी लोड किया जाता है, और इसलिए इस हार्बर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम स्टॉर्म्स बाय सैंडस्पिट बीच, मनोड़ा आइलैंड एंड ऑयस्टर रॉक्स। There are dense mangrove forest and creeks in the southeast in the Indus River Delta. Dense mangrove forest हैं। अब ये आपको ये बात अच्छी तरह से पता है, mangrove forest जो हैं वो बहुत important होते हैं, because ये floods से बचाते हैं country को या किसी भी शहर को, city को। तो किसी भी एरिया को अगर फ्लड से महफूज रखना है तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों ने ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है, यकीनन ये जब आप हॉक्स बे की साइड पर जाते हैं तो आपने वहाँ भी देखे होंगे, वहाँ बहुत थिक मैंग्रोव फॉरेस्ट नज़र आते हैं। जब हम वहाँ पर बीच पर उतरते हैं तो बैक साइड पर बहुत ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कोस्ट ऑफ कराची पे। कराची कोस्ट के बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। The Karachi coast has low rocky cliffs and sandy beaches. Sea caves and arches are common. Cliffs, caves and arches are formed by the erosion of the sea. Erosion क्या होती है? Erosion means wearing away of the land. जब पानी बहुत तेज़ी से travel करता है तो क्या करता है कि जो edges के ऊपर जो मिट्टी होती है वो उसको अपने साथ बहा कर ले जाता है, और इसको कहा जाता है इरोजन। इससे क्या होता है, ज़मीन कटना शुरू हो जाती है, इरोड होना शुरू हो जाती है, और वाटर पार्ट बढ़ना शुरू हो जाता है और जो लैंड पार्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये होती है इरोजन। तो कराची का जो कोस्ट है वो वहाँ पर लो रॉकी क्लिफ्स मौजूद हैं और सैंडी बीचेस भी हैं। यकीनन आप लोगों ने बीचेस पे विज़िट किया होगा तो आपने देखा होगा कि सारे ही बीचेस सैंडी हैं, मोस्टली बीचेस सैंडी हैं। हॉक्स बे भी आप जाएं तो अच्छी खासी सैंड होती है। इसी तरह से आप अगर क्लिफ्टन बीच पे जाएं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा सैंड है, जिसके बाद काफ़ी डिस्टेंस के बाद जाके जो है वो समंदर शुरू होता है, वेव्स आना शुरू होती हैं, ठीक है। तो सी केव्स और आर्चेस ये भी कॉमन है। क्लिफ्स हैं, केव्स हैं, आर्चेस हैं, और ये सब बनती किससे हैं, ये सब बनती हैं इरोजन की वजह से। जो समंदर का पानी वेव्स की फॉर्म में टकरा रहा होता है इन क्लिफ्स से, वो इन क्लिफ्स के अंदर बार बार पानी टकराने की वजह से ये होता है कि इन क्लिफ्स के अंदर केव्स बन जाते हैं, आर्चेस बन जाती हैं, इसी तरह से स्टैक्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। एंड योर होमवर्क इज़ दैट कि आपको पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3 रीड करना है। यू हैव टू रीड पेज 2 एंड 3 योर सेल्फ। जितना आपको मैंने समझाया है, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, बार बार वीडियो को देख सकते हैं आप ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अब इंशाल्लाह आपके जब फिज़िकल स्कूल स्टार्ट होंगे तब मैं आपको ये लेसन और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है बच्चों। Until my next video or until the physical class, I am saying Allah Hafiz. Take care of yourself. Goodbye.